तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फ़्लिपकार्ट पर ओल्ड मोबाइल को बेचकर नया मोबाइल कैसे ख़रीदते हैं और कैसे लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बहुत दिनों से आप मोबाइल ओल्ड मोबाइल यूज़ कर रहे हो और आप फ़्लिपकार्ट को एक्सचेंज करना चाहते हो या फिर बेचना चाहते हो, ठीक है, तो आप ओल्ड मोबाइल को बेचकर आप नया फ़ोन कैसे ले सकते हो। आज की इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताएंगे कि फ़्लिपकार्ट पर मोबाइल एक्सचेंज कैसे करते हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो को बगैर स्किप किए देखे और शुरू से लास्ट तक देखेगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिल जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आपको करना है कि आपको आपके मोबाइल में फ़्लिपकार्ट के ऐप को ओपन कर लेना। ओके, जैसे आप फ़्लिपकार्ट के ऐप को ओपन करोगे तो आपको देखिए सिंपली करना है कि आपको जो सा भी मोबाइल आपको पसंद है, चाहे कि रेडमी का हो या फिर एप्पल का हो या फिर कोई सा भी मोबाइल आपको पसंद है, तो वो भी मोबाइल आप कोई सा भी मोबाइल आप एक्सचेंज कर सकते हो। आप अपना मोबाइल ये देकर आप नया मोबाइल ख़रीद सकते हो फ़्लिपकार्ट पे। ओके, तो आपको सिंपली करना है कि आपको फ़्लिपकार्ट पे आ जाना है। जैसे आप आओगे तो आपको स्मार्टफोन खरीद मतलब चूज़ कर लेना है कौन सा आप स्मार्टफोन पसंद करते हो, कौन सा आप स्मार्टफोन लेना चाहते हो और पुराना मोबाइल बेचना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं आपके मोबाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ रेडमी का। ओके, बहुत सारे फ़ोनों में दोस्तों ऑप्शन नहीं आता है एक्सचेंज का, तो इधर जो है आपको ये जानकारी मैं दे देता हूँ। ओके, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रेडमी का। ओके, रेडमी का कोई सा भी फ़ोन मैं सर्च कर लेता हूँ रेडमी का। ओके दोस्तों, मैंने रेडमी का फ़ोन सर्च कर लिया। अब दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा मॉडल मुझे चाहिए, मैं कौन सा मॉडल लेना चाहता हूँ। ओके, ये रेडमी नोट 11 है, तो मैं रेडमी नोट 11 पे क्लिक कर देता हूँ, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए रेडमी नोट 11 है, ये देखिए रेडमी नोट 11 ओरिजिनल ब्लू है। ठीक है, तो इसका रेट जो है देखिए इधर मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है और जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो इधर देखिए इसका रेट जो है 12,864 रुपया। ओके, तो इधर फ्री डिलीवरी है। ओके, तो आप दोस्तों इससे पहले जो है फ़्लिपकार्ट में अपडेट नहीं आया था, अब दोस्तों ये फ़्लिपकार्ट में जो है अपडेट आ गया है, जो कि आपको भी अपडेट कर लेना है फ़्लिपकार्ट के ऐप को। ओके, तो देखिए पहले क्या था कि आपको जो है एक्सचेंज का नीचे नहीं ऑप्शन आता था। ओके, तो इधर जो है अब फ़्लिपकार्ट ऐप को अपडेट मैंने किया तो इधर आपको पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। देखिए इसमें जो है एक्सचेंज का ऑप्शन दिया है, ठीक, आप इस फ़ोन को एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, और जो ऊपर जो फ़ोन जो है रेडमी 11 प्रो ये सबको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ओके, तो इधर सिंपली देख सकते हो इधर जो एक्सचेंज का जो है ऑप्शन दिया गया है, मतलब एक्सचेंज का ऑप्शन आया। ओके, तो देखिए जिसमें भी आपको ऑप्शन आता है एक्सचेंज का, आपको जो भी पसंद है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। तो देखिए इधर जो है बहुत सारे में ऑप्शन दिया है एक्सचेंज का और बहुत सारे में नहीं दिया। ओके, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैं एक्सचेंज करके दिखाता हूँ। ओके, तो सिंपली आपको एक रेडमी का कोई सा भी आपको एप्पल और सैमसंग कोई भी आपको एक फ़ोन सेलेक्ट कर लेना। ओके, जो भी आपको पसंद है। ओके, तो उसके बाद दोस्तों देखिए इधर जो एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा उस पर ही क्लिक करना। ओके, नहीं तो ऑप्शन नहीं आएगा, एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, आपको अपना पुराना फ़ोन फ्लिपकार्ट को नहीं बेच सकते। ओके, तो चलिए मैं फ़्लिपकार्ट में ये दोस्तों मैं रेडमी नोट 10T को मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि 5G। ओके, तो चलिए इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों इधर देखिए 360 में भी ऑप्शन आ गया, फ़्लिपकार्ट में पहले नहीं आता। अब दोस्तों 360 में आप देख सकते हो इसमें कितने रैम है, कितने डिटेल से पूरी जो है आपको ऑप्शन दिखने के लिए मिल जाएगा, 64GB और जो है रैम 4GB। ओके, और इसका रेट जो प्राइस दिख रहा है इधर जो है 11,999 रुपये है। ओके, जो कि आपको जो है लो प्राइस 10,999 रुपये पड़ रहा है। तो इधर देखिए दोस्तों इधर जो है आप कोई सा भी फ़ोन एक्सचेंज करोगे ना तो आपको इधर ऑप्शन आ जाएगा। देखिए एक्सचेंज वैल्यू आपको जो है जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो इधर जो है आपका पैसा रेट बता दिया जाएगा कि आपके फ़ोन का रेट इतना दिया गया। ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ना यही आपके फ़ोन का रेट बताया गया। ओके, बहुत सारे को आपको मन में सवाल होगा कि हमारे फ़ोन का रेट क्या दिया गया है और कितना दिया, वो बहुत सारे को मतलब आप कन्फ्यूजन रहता है। ओके, तो देखिए इधर जो है हमारे को जो रेट दिया है ये इस फ़ोन का जो कि मोटोरोला E4 प्लस है। ओके, इसका रेट दिया सिर्फ 2,000 रुपया, जो कि बहुत ओल्ड फ़ोन है। ओके, तीन चार साल ओल्ड पुराना फ़ोन है। ओके, तो इधर दोस्तों अगर आपके पास अगर नहीं होता है एक्सचेंज का तो इधर ऑप्शन आएगा, ठीक है, आपको सेलेक्ट कर, ठीक है, तो इसको मैं देखिए मैं डिसलेक्ट कर लेता हूँ, इधर मैं चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो चलिए मैं चेंज पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं चेंज पे क्लिक करूँगा तो आपको कौन सा कंपनी का फ़ोन है आपको इधर चूज़ कर लेना। ओके, इधर जो है हमारे मोटोरोला कंपनी का, तो चलिए मैं मोटोरोला पे जो है इधर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको मोटोरोला कौन सा मॉडल है, इधर जो भी आपका मॉडल नंबर होगा आपको जो भी सेलेक्ट करोगे जैसे सैमसंग एप्पल जो भी वीवो ओप्पो, तो आपको मॉडल नंबर भी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, जो भी फ़्लिपकार्ट के मतलब दिया होगा ऑप्शन एक्सचेंज करने का इधर ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मोटो E4 प्लस है हमारा, तो इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। इधर दोस्तों बहुत सारे लोगों को जो है कन्फ्यूजन में रहता है कि मैं
अपने फ़ोन का IMEI नंबर कैसे निकालूं। बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो में जब मुझे बनाया था और बहुत सारे जो है अपडेट नहीं दिया था, इस वीडियो में आप जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ फुल, ठीक है। तो देखिए इधर जो है IMEI नंबर जो होता है वो आपके फ़ोन का होता है, जो कि आपके डबल सिम है तो दोनों IMEI नंबर रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर आपको इधर देखिए इधर दिया हुआ नंबर भी ओके *#06# से भी आप जो है जाके आप डायल नंबर में क्लिक करोगे तो इधर आपका IMEI नंबर आ जाएगा, आप जो है उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेना ओके। तो चलिए इधर दो और बहुत सारे के फ़ोन में ऑप्शन भी आ जाएगा, तो देखिए मैं इधर जो है फाइंड माई IMEI नंबर पर क्लिक कर देता हूँ, तो आपको भी अगर ऑप्शन आ रहा है तो आपको भी ऐसे ही कर देना ओके। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए इधर जो है जैसे ही मैंने क्लिक किया इधर हमारा IMEI नंबर जो है आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो देखिए ग्रीन टिक हो गया ओके। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना ओके। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेगा तो देखिए आपको पूरी जो है आपको बता दिया जाएगा, एक्सचेंज वैल्यू का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, कैसे कितने मतलब कैसे देना है ओके। तो देखिए इधर जो हमारे फ़ोन का रेट लगा है 2000 लगा है, ठीक है। तो देखिए इधर पूरे जो है बताया गया कि आपका 700 रुपये कम भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में कुछ ख़राब भी हुआ तो आप रेट भी कम कर सकता ओके। तो देखिए इधर जो पूरा डिटेल दी गई है, देखिए इधर जो कीप योर ओरिजिनल ब्रांड बॉक्स, मतलब अगर आपके पास बॉक्स है तो आपको बॉक्स भी रखना है ओके। चार्जर है तो चार्जर भी रेडी रखना है। उसके बाद आपको टाइम जो भी बताएगा फ्लिपकार्ट में मैसेज में वो आपको रखना ही नहीं, कि आप फ्लिपकार्ट का आया तो मैं बोल दिया कि सर आप कल ले लो, मैं मोबाइल को फॉर्मेट नहीं मारा, आपको ऐसा नहीं करना ओके। आपको मोबाइल को जो है पहले ही मतलब ऑर्डर या फिर एक्सचेंज करने से पहले आपको जो है फ़ोन को नीट एंड क्लीन रखना ओके, साफ रखना है, मतलब उस टाइम फॉरगेट या फिर फॉर्मेट डाटा ट्रांसफर नहीं करने का बोलना ओके। क्योंकि वो फ्लिपकार्ट वाला जब आता है देने के लिए एक्सचेंज करने के लिए तो पहले आपका फ़ोन ले जाएगा, उसके बाद आपको डिलीवरी होगा, बहुत बड़ा पहले ही डिलीवरी हो जाता है उसके बाद ले जाता है, ठीक है, वो बहुत कम चांस में होता है ओके। तो देखिए आपको पूरी डिटेल्स देख लेनी है और इसमें बता दिया गया ओके, आपको पढ़ लेना ओके। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए इधर जो है कन्फर्म एंड एक्सचेंज पर क्लिक कर देना है, आपको डिटेल पढ़ने के बाद कन्फर्म एंड एक्सचेंज पर क्लिक कर देना ओके। तो देखिए अरे फ़ोन का भी रेट 2000 लगाया, अगर आपका कोई सा भी कंपनी का न्यू मॉडल का फ़ोन है तो आपको साइज़ ज़्यादा लगाए, जो कि हमारे फ़ोन का सिर्फ 2000 ही लगाया, ठीक है। तो देखिए ये फ़ोन का जो रेट था वो प्राइस था वो जाके 11,999 मान लिया जाए कि 12,000 रुपये, ठीक है। ये 12,000 का दाम है इस फ़ोन का, जो कि वीवो देखिए मॉडल नाम है सॉरी ये रेडमी नोट 10T 5G ओके। तो देखिए इसका रेट जो है 11,000 रुपये। अब दोस्तों 11,000 में आप 2000 घटा दो तो कितना बचा मालूम ही होगा आपको जो है, देखिए 10,999 रुपये ये आपको अमाउंट पे करना होगा, ठीक है। तो इसमें 12,000 रुपये का फ़ोन, तो 10,000 रुपये जो है आपको पे करना होगा, 10,999 रुपये आपको पे करना होगा, 2000 माइनस कर दो तो 12,000 का फ़ोन है, 2000 तो मतलब आपको 99 रुपये और एक्स्ट्रा मांग रहा है, ठीक है। तो देखिए एक्सचेंज का जो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, अगर आपको एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होता था आप कमेंट करके तुरंत पूछो, मैं तुरंत जो है कमेंट का रिप्लाई दूंगा ओके। मैं हर वीडियो में कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो देखिए आपके मोबाइल का जो है 2000 रुपये रेट दिया है, आपका भी अगर इधर शो करेगा तो समझिए आपके फ़ोन का उतना ही रेट बताया ओके। तो देखिए हमारे फ़ोन का जो रेट लगाया है वो सिर्फ लगाया है ओनली 2000 रुपये ओके। तो उसके बाद आपको एक्सचेंज करने के लिए करना क्या है कि आपको जो है इस फ़ोन को बाय पे क्लिक कर देना ओके। तो पहले मैं आपको डिटेल बता दूँ, आप ध्यान से सुन लें, ठीक है। ये जो आप ऑर्डर करोगे तो पहले जो है आपका फ़ोन ले जाएगा, ठीक है। तो आपके फ़ोन को करना क्या है कि आपके फ़ोन को नीट एंड क्लीन कर लेना, पूरा डेटा जो है ट्रांसफ़र कर लेना ओके। ये नहीं कि आपको जो तुरंत फ्लिपकार्ट आया वो फ़ोन किया डिलीवरी बॉय कि हमको फ़ोन चाहिए वो एक्सचेंज का है, तो आपको उस टाइम नहीं करना, आपको पहले ही कर लेना ओके। तो देखिए 10,128 रुपये आपको पूरा पे करना है ओके, मतलब मुझे पे करना है। तो देखिए इधर जो पिकअप चार्ज का 100 रुपये ले रहा है और सिक्योर्ड पैकिंग मतलब फ़ी जो है आपका 29 रुपये ले रहा है, मतलब हमारा जो चार्ज हो गया 10,128 रुपये हो गया टोटल ओके। तो देखिए इधर आपको एड्रेस अगर चेंज करना है तो आप इधर से एड्रेस चेंज कर सकते हो ओके। तो देख सकते हैं हमारा ये एड्रेस है, उसके बाद आपको देखिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देना ओके। तो देखिए आपको पूरी जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इधर आपको जो है कुछ डिटेल आएगी, तो देख सकते हैं पार्ट्स अगर मिसिंग है तो आप तुरंत एजेंट को कॉल से कर सकते हो, पूरी OTP चेकिंग एंड प्रोडक्ट एंड दिस इशू, अगर आपको कुछ इशू आया था OTP जो है आप देख के कर सकते हो ओके। पूरा दिया हुआ आपको डिटेल पढ़ लेना ओके। तो इधर इसके बाद आपको पूरे डिटेल पढ़ लेने के बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना ओके। एक्सेप्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपको जो है ये ऑप्शन आएगा देखिए पेमेंट का, ठीक है।
दो आपका जो दो स्टेप पूरा हो गया और लास्ट स्टेप है। तो देख सकते हो इधर जो है, अगर आप गूगल पे से आपको पे करना है तो इधर जो है गूगल पे से आप पे कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको UPI से पे करना है तो UPI से पे कर सकते हो, वैलेट से करना है तो वैलेट से भी पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग हो, EMI हो गया, कैश ऑन डिलीवरी हो गया। तो आपको कैसे पे करना है आपको इधर सेलेक्ट कर लेना। ओके, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। फिर तो आपको कोड डाल लेना है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 2 साल 1 साल पहले। अब दोस्तों इधर जो है कोड डालोगे, उसके बाद कन्फर्म ऑर्डर करोगे, तभी आपका जो ऑर्डर ये कन्फर्म होगा। ठीक है, तो देखिए मैं कोड डाल लेता हूँ 383। ओके, उसके बाद आपको जो है कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देना। ओके, तो देखिए ये जो है हमारा फ़ोन जो है ऑर्डर हो चुका है, और जो हमारा फ़ोन जो है ले जाएगा, उसके बाद जो है नया फ़ोन देगा। या हो सकता है आपको जो है पुराना फ़ोन पहले नया फ़ोन दे दे, उसके बाद पुराना फ़ोन ले जाए, तो ऐसा नहीं होता। पहले जो पुराना फ़ोन लेगा, उसके बाद आप पूरा फ़ोन को चेकिंग करेगा कि आपके फ़ोन में कहीं पे डेंट वगैरह तो नहीं है, या फिर कहीं पे आपका फ़ोन ख़राब तो नहीं है, पूरा चार्जिंग रहेगा, पूरा एयरफोन जैक पूरा आपको कम्प्लीटली चेक करेगा। ठीक है, वो आता है, उसके बाद जो है देखिए हमारा जो है हो चुका ऑर्डर। तो देखिए माई ऑर्डर जो है अराइविंग पूरा आपको डिटेल दी जाएगी आपको नीचे। ये देखिए अराइविंग नोट 10T 5G है, अप्रूव्ड टुडे हो जाएगा आपको, इसके बाद आप डिलीवरी हो जाएगा, इसके बाद आप डिलीवरी एक्सपेक्ट का आपका मैसेज आ जाएगा आपने जो भी नंबर दिया। ओके, तो आपको मैं एक क्लियर बात बता दूं, अगर आपका जो है पहले फ़ोन आए लेने के लिए, तो आपको जो है उससे पहले आपको पूरा डेटा को क्लियर कर लेना है आपके फाइल में, 2-3 बार रीसेट फ़ोन को मार देना, और डेंट वेंट वगैरह है तो आपको जो है बढ़िया से जो है ये कर देना। अगर आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा है तो टेम्पर ग्लास उसको भी उखाड़ के वो देखता है, जो चेक करने वाला आता है टेक्निकल, तो उधर जो है पूरा चेक करेगा आपके फ़ोन का पूरा, उसके बाद ये आपको इधर से रेट भी कम कर सकता है। ओके दोस्तों, आपको अगर कोई सा प्रॉब्लम होता है एक्सचेंज करने में मोबाइल, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो गाइस ठीक इसी तरीके से जो है किसी भी मोबाइल फ़ोन को आप एक्सचेंज कर सकते हो, अपने पुराने फ़ोन को बेच के नया फ़ोन खरीद सकते हो। ओके, सो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो इस वीडियो का लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेक्निकल भाईजी चैनल पर अपलोड होती रहती है। ओके, जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।